सिमुलेटर गेम्स जैसे कि कार फॉर सेल, जिम सिमुलेटर, गैस सिमुलेटर हो गया, इन सब की खास बात ये होती है कि ये तुम्हें फील देती है कि तुम्हारा कार का शोरूम है, तुम्हारा खुद का जिम है और तुम्हारा खुद का गैस स्टेशन है। अब भले ही तुम्हारे पास छोटे खिलौने वाली गाड़ी हो, गैस स्टेशन के नाम पर तुम्हारे पास घर घर वाली होम किट हो। एक मिनट, ये इतना महंगा कब से हो गया? ये सेट तो सनी बाजार में 20 रुपए का मिलता था ना। चलो कोई ना, पर इन गेम्स को खेलने में मजा तो आता ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लगभग सारे सिमुलेटर गेम्स पेड है और स्मार्टफोन वालों के लिए तो और बुरा है, वो गेम्स स्मार्टफोन्स और मोबाइल्स पर तो है ही नहीं। जिम सिमुलेटर नहीं होगा, गैस स्टेशन सिमुलेटर पक्का नहीं होगा, अब देखो जो गेम्स ऑलरेडी पहले से है मैं वो तो दोबारा रिक्रिएट नहीं करने वाला, मैं कुछ यूनिक बनाने वाला हूँ। लेकिन यार मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा था, तो होता गया है कि मैं हर दिन की तरह रात को अपने इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था और तभी मुझे दिखता है 2024 का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन। इसे देखने के बाद मेरे मन में तो आया कि यार मैं भी खुद की एक चाय की टपरी खोल लूं या ऐसा कुछ धंधा खोल लूं। लेकिन इसी बीच मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना मैं एक चाय सिमुलेटर बनाऊं जहां पर तुम लोग बेच पाओगे चाय और तुम्हारा जो फाइनल गोल होने वाला है वो है कि तुम्हें चाय पिलानी है बिल गेट्स को और गेम को एंड करना है। ये आइडिया मुझे काफी मस्त लगा और इसे बनाने में मुझे लगा कि काफी मजा आएगा और काफी दर्द भी। तो मैं गया यूनिटी पे, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा डॉली की चाय की टपरी और गेम को बनाना चालू कर दिया। तो जो ये गेम है ये फर्स्ट पर्सन में होने वाला है और इसके लिए हमें चाहिए एक फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर। तो मैं यूनिटी के एसेट स्टोर में गया और यहाँ मुझे काफी मस्त फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर मिल गया जिसमें पहले से ही हेड बॉबिंग इन्वॉल्व है। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन फ्यूचर जब मैं इस गेम को बिल्ड करने जाऊंगा तो ये कंट्रोलर मुझे काफी ज्यादा एरर्स देगा। तो बाद में मैंने इस कंट्रोलर को यूनिटी के स्टार्टर एसेट वाले कंट्रोलर से एक्सचेंज कर लिया था। तो अब हमें बनाना एक पिकअप सिस्टम जो पिक कर सकता है तुम्हारा दिमाग जो बचपन में कहीं तुम्हारे घुटनों में खो गया था। बीस भाई, मेरा बचपन तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। बात तो सही है, जो पिक कर सकता तुम्हारा टूटा हुआ दिल जो वो तोड़ के चली गई थी। पर भाई हाँ मैं समझ गया, अभी तुम्हारा बचपन चल रहा है तो तुम्हारा तो दिल टूटा ही नहीं होगा। नहीं भाई, मैं तो यही कहना था कि वो हमारा भी काट के चले गई। And it can pick your ass. तो अब हमारा पिकअप सिस्टम काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, बस थोड़ी जिटरी मूवमेंट आ रही है यहाँ पर, ये भी बस ठीक करना है रिजिड बॉडी में कुछ ऊपर नीचे करके। अरे यार ये तो फिक्स ही नहीं हो रहा है। डेवलॉग रूल नंबर 1, जो बग कभी फिक्स ना हो उसे हम कॉकरोच बोलते हैं। अब हमारे दो मेन फीचर बन चुके थे, हमारा फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर और हमारा पिकअप सिस्टम। अब मुझे चाहिए था चाय की टपरी का मॉडल और तुम लोग जानते हो कि मेरी मॉडलिंग स्किल कितनी खराब है। तो मैं गया अपने दोस्त चिराग के पास चाय की टपरी का मॉडल के लिए। Hey! Hey boy! ₹150 देगा। अब जब तक चिराग मुझे मॉडल लाके देगा तब तक मैं अपने डेली टास्क कराता हूँ। तो कुछ टाइम बाद चिराग ने मेरे को मॉडल लाके दे दिए थे और इन मॉडल पे टेक्सचर चढ़ाने के बाद ये मॉडल झक्कास लग रहे हैं। थैंक यू चिराग। तो अब हमें बनाना है चाय बनाने का एक सिस्टम, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या तुम्हें चाय बनानी आती है? और अगर तुम्हें नहीं आती तो मैं हूं ना, तुम लोगों को चाय बनाना सिखाएंगे मेरे दोस्त शेफ बेस्ट। वेलकम टू कुकिंग विद बेस्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं चाय और नहीं सुनने वाले कोई आपकी राय। तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी, दूध और चाय पत्ती। लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम पानी की जगह इस्तेमाल करेंगे पानी का, दूध की जगह हम इस्तेमाल करने वाले फिनाइल का यूनिक टेस्ट देने के लिए, और चाय पत्ती की जगह हम यूज करेंगे गांजा। देखो ये एक सीक्रेट रेसिपी है तो तुम घर पे इसे फॉलो मत करना। तो अब हमारा चाय का सिस्टम रेडी हो गया है और अब तुम इस पैन के अंदर दूध, चाय पत्ती और पानी डालोगे तो तुम्हारी चाय बन जाएगी। और मैंने एक दुकान भी बना दी जहां से तुम चाय बनाने की सामग्री खरीद पाओगे, जैसे कि दूध हो गया, चाय पत्ती हो गया, और उनका स्टॉक अपनी दुकान पर रख पाओगे। फिर मैंने एक दिन और रात का चक्र बनाया
जब दिन होगा तब कस्टमर्स आएंगे और जब रात हो जाएगी तब कस्टमर्स नहीं आने वाले। और उसी के साथ मैंने घर बना दिया क्योंकि मैं रात को तुम्हें रोड पर सोता हुआ नहीं देखना चाहता। तो इस गेम का जो है फाइनल टास्क होने वाला है वो है बिल गेट्स को चाय पिलाना। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बिल गेट्स कब आने वाला है? तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली एक स्लाइडर बनाया जो तुम्हारे बगल में तुम्हें शो करता रहेगा और जब स्लाइडर फुल हो जाएगा तब होगी हमारे बिल गेट्स की एंट्री और गेम का डी एंड। अब सारी चीजें बन चुकी थी और बस एक चीज की कमी रह रही थी, लेवल डिजाइन। तो मैं तुम्हें मैप बनाने की प्रोसेस एडिट करके दिखाता हूँ। और फाइनली ये गेम रेडी हो चुका है और तुम्हें इसका डाउनलोड लिंक मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगा। तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके तुम ज्वाइन करो और इस गेम को डाउनलोड करो, इस गेम को खेलो, इस गेम की वीडियो बनाओ, जो करना है करो। और अगर इस गेम को अच्छी रीच मिल जाती है तो मैं इसे फुल्ली डेवलप कर दूंगा एक अच्छा चाय सिमुलेटर में, जहां से तुम स्टार्ट करोगे एक चाय की टपरी से और आगे जाके रेस्टोरेंट्स और कैफे खोलोगे। और बहुत जल्द मेरे डिस्कॉर्ड में एक इवेंट होने वाला है, तो उस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए मेरा डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अरे चिंटू, वो आज तक का गाना बजाइयो, डांस करने का मन हो रहा है।